इसमें अगर आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं तो ये जो आप वाइट सा पाउडर देख रहे हो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर इनको आप मिट्टी में डाल के अच्छे से मिला देते हैं तो आपके पौधे में अगर फंगस लगने के चांस रहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, सारे जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, प्लस आपकी मिट्टी को भी हेल्दी बनाते हैं। आप चाहे तो इनको पौधों में भी छिड़क सकते हैं, साथ साथ में इन्हें मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपके हमारे वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बात बताऊंगी कि अगर बारिश की वजह से आपके पौधों में फंगस लग रहे हैं या पौधे आपके ख़राब हो रहे हैं, मिट्टी आपकी इस तरीके से पीली पड़ रही है या काली पड़ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि आपका प्लांट और मिट्टी हेल्दी रहें। और इस तरीके से अगर मिट्टी दोस्तों हो जाती तो फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम ऐसा कौन सा चीज़ यूज कर रहे हैं जो कि आपके प्लांट और मिट्टी को दोनों बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को हमारे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करना। दोस्तों बारिश के टाइम में क्या होता है, प्लांट तो वैसे ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं बहुत ही ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होने लगती है, लेकिन वहीं पे दूसरी जगह पे क्या होता है, अगर प्लांट में ज़्यादा पानी रुकने लगता है इस तरीके से तो क्या होता है, प्लांट की जो मिट्टी होती है सोगी सी बन जाती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पानी नीचे तली में जमा होता रहता है और प्लांट ख़राब होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम सारे प्लांट में होने लगती है। तो हमें दोस्तों ध्यान देना होता है हमेशा कि प्लांट में पानी बिल्कुल, प्लांटर में जो पानी बिल्कुल ना जमा हो, आपका जो गमला हो उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए ताकि आपका जो क्या कहते हैं पानी स्टोर ना हो, जड़ें ख़राब ना हो। अगर पानी स्टोर होने लगता है तो जड़ें सड़ने गलने लगती हैं, तो प्लांट हमारा पीला पड़ने लगता है, सूखने भी लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो टाइम टाइम से हमें ड्रेनेज भी चेक करना होता है। दोस्तों अगर मैं बता दूँ पानी नीचे स्टोर है या नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप कोई अच्छी सी नुकीली चीज़ इस तरीके से लीजिए, आप सीधे आप अपने गमले में इस तरीके से नीचे तली तक ऐसे आप डाल दीजिए। अगर आपका जो टूल है अगर आप ऊपर ऐसा निकालते हो गीला सा निकलेगा तो समझ आइएगा कि आपकी मिट्टी नीचे जो है ख़राब हो रही है या पानी स्टोर हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल इस तरीके से हमारा टूल निकला है, गीला नहीं है लेकिन हाँ नमी है, तो इतना नमी बारिश है जितना नमी रहना चाहिए, बिल्कुल गीला चिपचिपा नहीं रहना चाहिए, उस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आप ज़रूर अपने से खुद से चेक कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ है तो नीचे आपका जो ड्रेनेज होल होता है उसको आप अच्छे से हिला सकते हैं टूल से, ताकि जो ठीकरी वगैरह हम लोग लगा के रखते हैं पत्थर वगैरह उतरा से खिसक जाता है तो पानी जो स्टोर होता है ना वो निकल जाता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। सेकेंड जो दोस्तों होता है, अगर आप गुड़ाई करते रहते हैं, देखिए इस तरीके से मिट्टी कितनी काली हो चुकी, क्या होता पानी कभी लगातार बारिश होती रहती तो पानी इस तरीके से जमा हो जाता है तो इसको काई बोलते हैं, जमने लगती है। तो हम इनको इसे टाइम टाइम इस तरीके से अगर गुड़ाई कर देते एक दो इंच का ना, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी आपकी बिल्कुल सूखी हो जाती है। और अगर धूप निकल रही है तो इस तरीके से गुड़ाई करके इनको धूप दिखा दें ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो। देख सकते हैं मिट्टी दोस्तों अच्छी है, ना बारिश अभी हुई थी ना ये दो घंटे पहले, जिसकी वजह से मिट्टी इतनी नमी रहती है, इतनी मिट्टी नमी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर सोगी सोगी गीली गीली रहती है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, वगैरह होते इनको भी निकाल दें। और अगर मिट्टी आपकी सोगी सोगी सी है ना तो आप उनको धूप जरूर दिखा दें, दो तीन दिन पानी अवॉइड करें। और पानी में दोस्तों ना रखें, अगर बारिश हो रही तो वहाँ पे बिल्कुल भी अपने पौधों को ना रखें। तो देखिए इधर भी हमारा ये रैंथमम का प्लांट है जो कि ये सड लविंग प्लांट है, लेकिन बारिश की वजह से मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके भी इस तरीके से मैं गुड़ाई कर दूँ। मिट्टी दोस्तों मैं हमेशा इन लोगों के लिए बेल्ड यानी सैंडी सॉइल ही बनाती हूँ, अगर इनमें सैंड ज़्यादा रहते हैं तो प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ना इनमें फंगस लगते हैं, कुछ पानी भी ज़्यादा स्टोर नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके भी मैंने गुड़ाई कर ली। इधर भी हमारे क्रोटोन है, तो ये थोड़ा सा देखिए इनमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली है, तो ऐसे प्लांट को हमें बचा के रखना चाहिए।
तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें देना है इनमें अच्छा सा कोई फंजीसाइड पाउडर दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों हल्दी पाउडर। तो ये आप दे सकते हैं अपने पौधों को ताकि आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आप किचन में तो फ्री में वो चीज़ें मिल ही जाती हैं, तो हमारे क्रोटोन के जो प्लांट होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बेस्ट हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ नीड नहीं होती दोस्तों प्लांट को हमारे क्रोटोन की, बस अगर फंगस वगैरह लग रहा है तो कुछ चीज़ का हमें ध्यान रखना रहता है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इनको नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे देते हैं दोस्तों एक चम्मच, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक एक चम्मच यहाँ पे दोस्तों हम दे रहे हैं ट्राइकोडर्मा, देख सकते इस तरीके से। ये अगर पौधे में फंगस लग रहे हैं, कोई कीड़ा भी लग रहा होगा ना, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे से असर करता है, इस तरीके से वाइट पाउडर रहता है। आप पौधों में छिड़क सकते हैं, मिट्टी में भी इस तरीके से छिड़क सकते हैं। अगर आपके पौधों में कीड़े आ रहे हैं, जो अभी आते हैं ना, जो मिट्टी में रहते हैं, एक से छिपे रहते हैं, वो नहीं रहेंगे और फंगस भी बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक चम्मच काफ़ी है इस तरीके से आप अगर डालेंगे तो इससे आपके पौधे में जो फंगस लगने के चांस रहेंगे, कीड़े वगैरह रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। बस एक चम्मच काफ़ी है आपके पौधे के लिए, दे सकते हैं दोस्तों। और मैं बता दूँ, अगर आपके पास ये भी नहीं तो हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपके किचन में मिल जाएगा। तो मैं हल्दी पाउडर भी दे रही हूँ इस तरीके से, देख सकते हो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं अपने पौधों में। तो ये दो चीज़ें हैं आप फ्री में अपने गार्डन में दे सकते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा दोस्तों बिल्कुल नुकसान नहीं करता, बस ज़्यादा मत दीजिएगा। और ये बरसात जब रुकी रहे तब दीजिएगा, पौधों को आप बचा के रखना। अब इसको इस तरीके से मिला देना है ताकि अच्छे से मिट्टी में मिल जाए, पानी में आप इसको बचा के रखिएगा, जब लगे कि हाँ आपके पौधों को पानी की नीड है उसके बाद में आप दीजिएगा, फिर आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। चाहे वो क्रोटोन का हो दोस्तों प्लांट, या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, सब में दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी किसी एक ही प्लांट स्पेशल प्लांट को ही दे। इससे क्या होगा, आपका प्लांट दोस्तों बचा रहेगा बारिश के फंगस से, और पानी स्टोर होने से बचाइएगा तो आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्लांट आपका बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगा। क्रोटोन का प्लांट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मेरा चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले हवा चल रही थी एक ही साइड में तो उस तरीके से प्लांट झुक गया है, लेकिन कोई नहीं अच्छे से चल रहा है। अभी मेरा प्लांट है अच्छे से चल रहा है, तो ये सारे प्लांट दोस्तों अभी मैंने सेव कर लिए हैं, और इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस तरीके से अपने पौधों में मिट्टी में फंजीसाइड या फिर ट्राइकोडर्मा या हल्दी पाउडर सब छिड़क सकते हैं, ताकि आपके गार्डन में कोई कीड़े ना आए, मिट्टी में फंगस ना लगे और प्लांट हेल्दी रहे। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।